दानव शिरोमणि असुर प्रहलाद अपनी विशाल सेना के सैनिकों से उपयुक्त बात कहकर काल की भयंकर सेना का वेग पूर्वक मर्दन करने लगे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर तथा नित्य विजयी थे, कभी उनकी पराजय नहीं होती थी। उन्हें अपने बाहुबल पर गर्व था, अतः वे युद्ध में सदा सामने रहकर लड़ते थे। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले 60,000 रथी तथा अतिशय वीरशाली प्रहलाद के वे पूर्ववत औरस पुत्र सभी युद्ध में सम्मिलित थे। उन सब ने पर्याप्त दक्षिणा वाले 100 विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी क्षमाशील धर्मपरायण तथा सदैव सतव्रत का पालन करने वाले थे। दानी प्रियभाषी शास्त्रीय विषयों के वक्ता अपनी ही स्त्री में अनुराग रखने वाले जितेंद्रियां ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। वे सदा यज्ञों का अनुष्ठान करते और प्रतिदिन वेद शास्त्रों के मास्वाध्याय में लगे रहते थे। सबके सब धनुर्वेद में कुशल तथा बारंबार सुदृढ़ पराक्रम का परिचय देने वाले थे। उनका पराक्रम मतवाले हाथियों के समान था। वे शत्रु सेना का मर्दन करने वाले थे तथा अपने पैरों के आघात से घोर वृक्ष आदि को भी विदीर्ण कर डालते थे। उनकी चित्तवृत्ति सदा युद्ध के लिए उत्सुक रहती थी, इसलिए उनकी आँखें क्रोध से लाल बनी रहती थी। अपने ओंट को दांतों तले दबाए हुए वह भयंकर पराक्रमी दैत्य वहाँ जोर जोर से गर्जना करते और सिंहनाद तथा ताल ठोकने की आवाज से एक दूसरे को हर्ष बढ़ाते थे। वेणु और शंख की ध्वनि तथा पुष्कल सिंहनाद के साथ सहसा उछलकर वह बहुसंख्यक दैत्य युद्ध में आने और हथियार ग्रहण करने लगे। वह महाबली दानव हाथ में धनुष लिए आमर्ष में भरे हुए थे। वह ताल के बराबर लंबे धनुष को खींचकर देवताओं और असुरों से भी पराजित न होने वाले काल के साथ साम्रांगण में युद्ध करने लगे। सभी दानव तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे। सबके अंगों में श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। सबके शब मानी थे और सभी स्वर्ग लोक की अभिलाषा रखते थे। शत्रुवध के लिए उघत हुए वे सभी वीर अपने पक्ष की विजय चाहते थे। ध्वजा पातकाओं से अलंकृत हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई तथा स्वर्गलोक की मार्ग पर जाने की इच्छा रखने वाले वे दीपशालिनी दैत्य सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तदनंतर भीषण पराक्रमी भयंकर काल देवता बहुत सी व्याधियों से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। उनकी काया विशाल थी और वे जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने गर्जते हुए अभिमान में भरे हुए महाबली दानवों की विशाल सेना को देखा। वेगशाली दानवों की उस आती हुई सेना को व्याधियों सहित काल ने तुरंत प्रतिकूल दिशा में ठेल दिया। तत्पश्चात अपनी सेना से घिरे हुए लाल नेत्र वाले कालदेव दानवों की सेना में प्रवेश करके उन्हें धराशायी करने लगे। उस युद्ध में कालदेव दंड मुरुदर और पाटिस्त आदि अस्त्रों द्वारा महाबली प्रहलाद तथा उनकी अत्यंत भयंकर सेना पर घातक प्रहार करने लगे। काल के सैनिक व्याधियों में रण क्षेत्र में बाण शक्त खंग शूल मुशल गदा परिग विचित्र फरसे भांति भांति के धनुष तथा लोहे की बनी हुई सुदृढ़ शतग्री आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र दानव सेना के ऊपर गिराए। उस युद्ध में बहुसंख्यक व्याधियों ने बहुत सी असुर शिरोमणियों का वध किया और बहुत से दैत्यों ने भी बहुसंख्यक व्याधियों का विनाश कर डाला। कितने ही योद्धा शूलों से मत डाले गए, कितनों के फरसे से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कोई परिगों की आहत हुए तो कोई दूसरे दूसरे उत्तम आयुधों से, किन्हीं के खंगों द्वारा दो टुकड़े कर दिए गए और वे पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। दानों ने नाना प्रकार के शास्त्रों द्वारा व्याधियों को विदीर्ण कर डाला। व्याधियों ने भी नाना प्रकार के उत्तम आयुधों खंगों तीखी धार वाले मुशलों
प्रास तोमर और मुद्रों से फर्शों से समस्त दानवों को छिन्न भिन्न करके काट डाला। महाबली व्याधियों ने मृदरों पटिशों तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों द्वारा दैत्य के टुकड़े टुकड़े करके बहुतों को मुक्कों से भी मार गिराया। एक दूसरे के द्वारा दांतों के तोड़ दिए जाने पर और आँखों के तोड़ फोड़ दिए जाने पर वे सब योद्धा मुंह से रक्त वामन करने लगे। उस रोमांचकारी संग्राम में आर्त स्वर से कहते हुए सिंहों के समान गर्जते हुए योद्धाओं का शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में खड़े हुए योद्धाओं के मस्तक तथा दूसरे दूसरे अंग बारंबार मुक्कों से तमाचों की मार से पड़ने कटकर पृथ्वी पर गिरने पड़ते थे। उस समय वहां भारी कोलाहल के साथ खून की विस्तृत नदी बह चली। आंसू ही उसमें फेन थे, ध्वजों की भंवर उठ रही थी, कटी हुई बाहें बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ती थी, शूल और शक्ति नामक अस्त्र महान मात्सर से प्रतीत होते थे, धनुष रूपी ग्रहों से भरी हुई थी, रथों के ईशा दंड रूपी प्रास्तर खंडों से वो नदी व्याप्त थी तथा ध्वज रूपी वृक्षों और लताओं से आवृत दिखाई देती थी। दैत्य प्रहलाद और काल देवता दोनों मेघ के समान होकर वाण रूपी जल की धारा गिरा रहे थे। दोनों के अपने धनुष ही इंद्र धनुष की प्रतीति कराते थे और उनकी बाहों में जो सोने के बाजू बंद थे वह विद्युत के समान प्रकाशित हो रहे थे। क्रमशः रथ और हाथी पर बैठे हुए वह दोनों योद्धा महान मेघ के समान जान पड़ते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे हुए थे और सजल जलधारों के समान शोभा पाते थे। तपाए हुए सुवर्ण में कवच तथा दिव्य हारों से विभूषित वह दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील योद्धा सूर्य और अग्नि के समान शोभा पाते थे। महान पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वह दोनों वीर सेना के मुहाने पर युद्ध स्थल में एक दूसरे को इंद्र के ब्रज की भांत दुसह बाणों द्वारा चोट पहुंचाते थे। उन दोनों के दुर्जय युद्ध में परस्पर भिड़े हुए योद्धा समर भूमि में अपने जीवन की भी आशा छोड़ बैठे थे। उनके सारे अंग बाणों से छत बिछत हो गए थे, उनके बंधु बांधव भी युद्ध में काम आ गए थे और उन प्रमुख योद्धाओं की छाती खून से रंगी हुई थी। इस अवस्था में वे धराशायी हो गए। युद्ध स्थल में गिरे हुए, गिरते हुए और गिराए जाते हुए निष्प्राण योद्धाओं की लाशों से भूमि पट गई थी। उस युद्ध स्थल में घोर बाणों को हाथ में लेते और धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी ना देख सका। वह दोनों महाबली महाबाहु युद्ध में कुशल थे। उन दोनों ने पूर्ति के कारण एक ही साथ अपने धनुषों को खींचकर मंडलाकार बना लिया। प्रहलाद के बाण समूहों से घायल होकर काल की सेना भाग चली, ठीक उसी तरह जैसे बलवान वायु के द्वारा ढोए जाते हुए मेघों के समान समूह छिन्न भिन्न हो जाता है। उस साम्रांगण में काल का घमंड चूर हो जाना तथा अपने उस शत्रु को युद्ध से भागा हुआ समझकर रणदुमर्द महान असुर प्रहलाद उन्हें पराजित मानकर पुनः दूसरी देवसेना का मर्दन करने लगे। पूर्व काल में प्रहलाद और काल का जैसा युद्ध हुआ था वैसा युद्ध संपूर्ण लोकों में न कभी हुआ और न ही होगा ही। इस प्रकार अद्भुत बल पराक्रम और ओज से संपन्न तथा उस महासमर में घायल हुए प्रहलाद उस युद्ध में बढ़ गए, विजयी हुए और काल देवता रण क्षेत्र से भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवसुर संग्राम में काल और प्रहलाद का युद्ध विषय 59वां अध्याय पूरा हुआ। 60वां अध्याय कुबेर और अनुराध का भयंकर युद्ध। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, प्रहलाद का बलवान भाई अनुराध यक्ष सेना को क्षोभ में डालता हुआ
सेना सहित धनाक्षत कुबेर के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ प्रतापी अनुराध कुपित हो अपने विशाल सैन्य समूह द्वारा कुबेर को पीड़ा देने लगा। वो महान असुर युद्ध स्थल में खड़े हुए देवताओं को शास्त्र उठाए देख उन्हें सहन न कर सका। उसने हाथ में धनुष लेकर उनका घोर संहार मचाया, जैसे प्रलय काल में क्षुद्ध हुए अपार महासागर में भौंरे उठने लगती है, उसी प्रकार उस क्षुद्ध हुई विशाल सेना में मंथन सा होने लगा। देवताओं और दानवों की लाशों से वहां की धरती पट गई, मानो प्रलय काल में ढहे हुए भयंकर पर्वतों से आच्छादित हो गई। मेरु पर्वत की वो घाटी रक्त से रंजित होकर वैशाख मास में सब ओर से लाल फूलों से युक्त पलाश वृक्ष की भांत प्रकाशित हो रही थी। मारे गए वीरों, हाथियों और घोड़ों से वहां खून की एक महानदी बह चली, जिसमें जल के स्थान में रक्त का स्रोत बह रहा था। वो महाघोर नदी यमराज के राज की वृद्धि करने वाली थी। उसमें बिष्ठा और चर्बी बड़ी भारी कीचड़ के समान प्रतीत होती थी। सब और बिखरी हुई आंतें शिवार सी जान पड़ती थी। कटे हुए सिर और धड़ ही उस नदी में मात्सर्य थे, अंगों के अवयव ही घास थे। गिद्ध रूपी हंस वहां छा रहे थे, मोरों और सारसों के कलरवों से वो मुखरित हो रही थी। वसा रूपी फेन उसमें व्याप्त थे, चारों ओर मची हुई चीख पुकार ही उसका कलकल नाद थी। युद्ध भूमि में बहने वाली वो महानदी कायरों के लिए दुस्तर थी, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी हुई नदी को पार पाना किसी को भी कठिन हो जाता है। हंस आदि पक्षियों के समुदाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। देवता और दानव उस दुस्तर नदी को उसी प्रकार पार पा गए, जैसे कमलों के पराग से दूसर वर्ण वाली पुष्करणी को गजयोधपति लांग जाते हैं। रथ पर बैठा हुआ अनुराध बाणों समूहों की वर्षा करके यक्ष सेना का वेग पूर्वक विनाश कर रहा था। ये बात स्वयं कुबेर ने देखी। फिर तो जैसे वायु आकाश में फैली हुई मेघों को भारी घटा को बलपूर्वक छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धना अध्यक्ष कुबेर ने दैत्यों की सेना का संहार कर डाला। वो भयंकर युद्ध देखकर पराक्रमी अनुराध ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा कुबेर पर धावा किया। धनुधारियों में श्रेष्ठ उस दैत्य वीर ने युद्ध के मुहाने पर अपने धनुष को खींचकर महामनुष्य भी धना अध्यक्ष कुबेर पर पौने बाणों का प्रहार किया। वह बाण कुबेर के पास पहुंचकर उनके शरीर को विदीर्ण करते हुए पीठ की ओर से निकल गए और युद्ध में लगे हुए एक दूसरे यक्षों तथा राक्षसों को एकाग्रता पूर्वक घायल करने लगे। अग्नि के समान तेजस्वी तथा पौने बाणों से घायल हुए धना अध्यक्ष कुबेर उस महासमर में बहुत कुपित हुए और अनुराध का सामना करने के लिए आगे बढ़े। क्रोध में भरे हुए पराक्रमी राजा कुबेर ने यक्षों के साथ रहकर उस दानों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जैसे सांड शीघ्र आई हुई शरद ऋतु की वृष्टि को रोकने में असमर्थ हो आंख बंद करके उसके आघात को चुपचाप ग्रहण करता है। उसी प्रकार वो महान असुर दैत्य कुबेर द्वारा सहसा की गई भयंकर बाण वर्षा को नेत्र मूंद कर चुपचाप सहन करने लगा। कुबेर की बाण वर्षा से रोष में भरे हुए उस महान असुर ने तनिक भी भयभीत न होकर इंद्रध्वज के समान एक विशाल वृक्ष को देखा, जिसकी शाखाएं और टहनियां विशेष रूप से बढ़ी हुई थी। उसमें नए नए अंकुर और पल्लव निकले हुए थे तथा वो फल से भी संपन्न था। उस कुपित हुए दैत्य ने उस वृक्ष को उखाड़कर उसके द्वारा महात्मा कुबेर के श्रेष्ठ घोड़ों को मार डाला। उसके उस महाघोर कर्म को देखकर सभी बड़े बड़े असुर अनुराध से प्रसन्न हो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उन देवता और दैत्य में तुमुल युद्ध होने लगा।
दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। दोनों ही साथ युद्ध एक दूसरे की वध करके इच्छा भांति भांति के घोर शास्त्रों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। समस्त देवता दानव योद्धाओं को रौंद कर जोर जोर से गर्जना करते थे। इसी प्रकार कुपित हुए दानवों ने भी देवताओं को पृथ्वी पर मार गिराया था। दानव अत्यंत कुपित हो वज्र के तुल्य तेजस्वी तथा कंक पत्र लगे हुए सीधे जाने वाले तीखे बाणों से देवताओं को घायल करने लगे। दैत्य समूहों द्वारा घायल किए जाते हुए महाबली देवता अत्यंत आमर्ष में भरकर निर्भय की भांति युद्ध कर्म करने लगे। उन्होंने भयंकर गदा पटिस सूल मुदर परिग तथा तेज धार वाले बाणों द्वारा दानवों को बड़ी पीड़ा दी। उन असुर शिरोमणि योद्धाओं के अंग बाणों से छत बिछत हो रहे थे। उनकी छाती खंग से छिन्न भिन्न हो गई थी। अतः उन्होंने बड़ी बड़ी शिलाएं और वृक्ष हाथ में लिए उन भयंकर वेग वाले सैकड़ों और हजारों दैत्य ने बारंबार गर्जना करके अपने बल पराक्रम से देवताओं को मत डाला। तदनंतर उनमें घमासान युद्ध आरंभ हो गया। वह बड़ी बड़ी शिलाओं सैकड़ों वृक्षों तथा परिग पटिस भल्ल विविंद पाल और फरसों द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। किसी के सिर उखड़ गए, कोई विदीर्ण हो गए, कोई भूमि पर गिराकर मार डाले गए। इस प्रकार सभी देवता और असुर खून से लथपथ हो रहे थे। परस्पर की मार से पीड़ित हो कितने ही योद्धा साम्रांगण से भाग गए, किन्हीं के हृदय विदीर्ण हो गए, कोई पैर कट जाने से पृथ्वी पर सो रहे थे और कितने ही त्रिशूलों से विदीर्ण हो वहां प्राणों से हाथ धो बैठे थे। वो देवताओं और दानवों से भरा हुआ महायुद्ध बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शिलाओं और वृक्षों के प्रहार से व्याप्त होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। वहां धनुष की प्रत्यक्षा रूपी बाणी की मधुर तान छिड़ी हुई थी। योद्धाओं को जो हिचकियां आती थीं, वही मानो ताल थीं। पीड़ितों के आर्तनाद ही मृदंड आदि भागों के घोष एवं अलाप थे। इस प्रकार वो युद्ध गंधर्व महोत्सव संगीत समारोह के समान प्रतीत होता था। उस समय क्रोध में भरे हुए कुबेर हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके दानवों को संपूर्ण दिशाओं से खरीदने लगे। अपनी सेना को कुबेर से पीड़ित हुई देख दानव अनुराध एक बड़ी शिला हाथ में लेकर कुबेर की ओर दौड़ा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से दुगने लाल हो रहे थे। वो अपने पिता हिरण्यकश्यप के समान पराक्रमी था। उसने कुबेर के उत्तम रथ पर उस शिला को दे मारा। उस शिला को आती देख हाथ में गदा लिए हुए कुबेर अपने रथ से वेग पूर्वक कूद कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। वो शिला कुबेर के उत्तम रथ को चक्र कुबर घोड़े ध्वज और धनुष बाण सहित तोड़ फोड़ कर भूमि पर गिरा दी। कुबेर के इस रथ को नष्ट भ्रष्ट करके प्रहलाद के छोटे भाई अनुराध ने तनु और शाखाओं सहित वृक्षों द्वारा देव पक्ष के शूरवीरों का संहार आरंभ किया। देवताओं के सिर फूट गए, अंग भंग हो गए, वे रक्त से नहा गए। वृक्षों की मार से उनके सारे अंग व्यथित होने लगे और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। महान असुर अनुराध ने देवताओं की विशाल सेना को भगाकर एक पर्वत का शिखर हाथ में ले लिया और कुबेर पर धावा किया। उसे आते देख पराक्रमी कुबेर ने गदा उठा ली और बड़े जोर से गरजकर उस महाबली दानवराज को ललकारा। हे प्रभु, धन के स्वामी कुबेर ने कुपित होकर उस दैत्य एवं दानव की छाती पर उस गदा को दे मारा। उसमें बहुत कांटे लगे हुए थे, परंतु क्रोध से लाल आंखें किए उस दैत्य ने उनके उस प्रहार की कोई परवाह ना की और धन के स्वामी कुबेर पर तत्काल ही उस पर्वत शिखर को गिरा दिया। पर्वत शिखर की चोट खाकर कुबेर के सारे अंग विहल हो गए और वे चूर चूर हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े।
महात्मा धनेश को बिहल हुआ देख हुए भयंकर पराक्रमी समस्त यक्ष और राक्षस उन्हीं चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। दो घड़ी तक व्याकुल रहने के पश्चात विश्वासु के पुत्र धनदाता कुबेर सहसा उठकर खड़े हो गए और पुनः क्रोध से मूर्छित हो उन तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे।